हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनओएस विजन पॉइंट, और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं, पर बिफोर बिगनिंग विद दैट हम बात क्या कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 3 का चैप्टर नंबर 7 दैट इज सॉल्यूशन, और ये है आज आपका जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज लेक्चर नंबर 8। इससे पहले आपके 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसको जरूर अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ अपने एक कॉपी पेन जरूर रखिएगा, उसको नोट भी करते चलेगा। बस नोट करना ही काफी नहीं होगा, उसको डेली बेसिस पे आप लोग रिवाइज भी करते चलेगा, सो दैट आपकी अच्छी खासी होल्ड रहे आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे, या किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप रेगुलर रिवाइज करते रहोगे तो आपकी जो कमांड है उस सब्जेक्ट में वो और भी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, क्या आप सीखने वाले हो, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रॉल्स लॉ जो आपका है उसको डिस्कस किया था, और वहाँ पे हमने ये जाना था कि जो आपका रॉल्स लॉ है वो क्या होता है। तो वो हमने देखा था क्या कि आपका जो लॉ है वो सिंपल सा आपका क्या है, जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके जो आपका, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो इक्वल होगा आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्योर स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द पर्टिकुलर चीज। ठीक है, जो भी आपका आपने यहाँ पे लिया है, फॉर एग्जांपल अगर हमने 1 लिया है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ए लिखा है तो ए से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रॉल्स लॉ। फिर हमने देखा था कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो कैसा सोल्यूशन होता है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है ओबे करता है वो हमारा होता है आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, कैसा सोल्यूशन होगा बच्चे, आइडियल होगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो क्या होगा, नॉन आइडियल होगा। ठीक है, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, और जो ना फॉलो करे वो नॉन आइडियल। फिर नॉन आइडियल में भी वो जो फॉलो है वो किस तरह से कर रहा है, नहीं कर रहा है तो किस तरह से नहीं कर रहा है, क्या वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है या नेगेटिव, तो उसके बेसिस पे आपके दो थे, दैट वॉज फर्स्ट वॉज नेगेटिव डेविएशन और दूसरा पॉजिटिव डेविएशन। तो ये सारा चीज़ आपने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में सीखा है। अब इसके बाद ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए बिना समय गवाए इसको स्टार्ट करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सॉल्यूशन पोर्शन का, जो डील करता है कि कॉलिगेट का मतलब होता है टोटल, ठीक है, या फिर टुगेदर, ठीक है, इकट्ठा। तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो मोर ओवर डिपेंड करेगी किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स के नंबर पे, किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है, सल्यूट के कॉन्टेक्स्ट में है। ठीक है, जो लेसर अमाउंट में या जो चीज़ डिजॉल्व हो रही है उसी को हमने सल्यूट कहा है, तो उसके नंबर ऑफ पे डिपेंड करेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ डायल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड्स, ठीक है, डायल्यूट सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या हम कहें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी आर कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर पे, ना कि उनकी आइडेंटिटी पे। ठीक है, तो उस तरह की प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में उसी को हमने क्या कहा है, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना। ठीक है, दूसरा क्या है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन विच आर सपोज टू बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देख रहे हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन को देख रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, जिसका बिहेवियर नियर अबाउट, नॉट इक्वल टू आइडियल, नियर अबाउट आपके क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, यानी वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या है, वी शैल अज्यूम हियर दैट द सॉल्यूट इज अ नॉन वोलेटाइल एंड इट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द वेपर। ठीक है, वो किस क्या करेगा, वो किसी प्रकार से भी आपका वेपर में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या याद रखना है, डाइल्यूट कंडीशन, दूसरा आइडियल बिहेवियर करेगा, और नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट आप ले रहे हो वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, यानी वो वेपर फेज में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वंस आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो आपको चीज़ यहाँ पे समझना और पढ़ना है वो क्या है, वो है आपका ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या देखना है, इस प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो बेस है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और
किसका होगा, यानी कि सल्यूट के बारे में हम बात करेंगे। सल्यूट का नेचर कैसा होना चाहिए, क्या याद रखोगे कि वो कैसा हो, नॉन वॉलेटाइल हो। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है, हमें यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को अंडर ऑब्जर्वेशन स्टडी करना है। जो पहला है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है पहला जो प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला ये प्रॉपर्टी हो गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। और लास्ट अब हम एंड अप करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, किससे, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा आपका कॉलिगेटिव का, वो रहेगा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये सारे आपके किस पे डिपेंड करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो जब हम रॉल्स लॉ को समझ रहे थे, वहाँ पे हमने जब एक कंडीशन देखा था कि रॉल्स लॉ, हमने दो चीज़ डिस्कस किया था। एक था जिसपे हमने बात की थी, क्या है आपका लिक्विड का, ठीक है, लिक्विड आपका था या वॉलेटाइल सोल्यूशन था। दूसरा केस हमने जो डिस्कस किया था, जहाँ पे मैंने कहा था कि स्पेशल फोकस आपको रखना है क्योंकि इसका यूज़ आगे भी है, तो वो आगे का जो समय है वो ये है कि आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी वो यूज़ आ रहा है। वो क्या था, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन। ठीक है, क्या था, रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूशन। तो उसमें हमने एंड अप भी किया था और इक्वेशन जो आपके पास था वो ये आता है, क्योंकि वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो आपका प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो लास्ट में, क्योंकि वो सोल्यूट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे वो है कैसा, नॉन वॉलेटाइल है, तो उसका कोई वेपर प्रेशर होगा या नहीं, नहीं। तो आपने क्या कहा कि ये जो होगा, ये प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो अगेन मैंने आपको कहा ए का मतलब यहाँ पे मैं सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आपका ए के बराबर है, या हम कह सकते हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन आता है वो क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, पी एस या सॉल्यूशन का लिखा रहेगा, या फिर ए हम लिख सकते हैं, अपॉन पी नॉट इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सल्यूट के बराबर होगा। ठीक है, फिर हमने देखा था फॉर एक्स्ट्रा डाइल्यूट सॉल्यूशन हम एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ बी देखा था। और क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल में किसका है, क्योंकि इसका नंबर ऑफ मोल्स आपका जो सल्यूट है वो बहुत कम मात्रा में है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एम ए यहाँ पे आ जाएगा। तो इक्वेशन जो आपका ओवरऑल यहाँ पे बना हुआ आपको दिखेगा, दिस विल बी दिस। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। वो किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पे या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा, जहाँ पे एक्स टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, Na किसका होगा, सॉल्वेंट का, 2 किसका हो जाएगा, N2 सॉल्यूट का हो जाएगा, Ps क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और P नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। नॉट का मतलब क्या है कि प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट, उसके केस में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूट के डालने की वजह से आपका प्रेशर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर उसमें कमी आ रही है, इसीलिए हमने ये बात कहा। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है जो आपको समझनी है दैट इज द सेकेंड वन, जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको समझते हैं हम लोग। अपन लोग एक लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे दो कंटेनर है। ठीक है, यहाँ हम लोग मान लेते हैं अभी यहाँ पे यही एक ही कंटेनर है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपका एक लिक्विड आप यहाँ पे गर्म कर रहे हो। ठीक है, या फिर घर में चाय बनता हुआ देखा होगा, बनाया भी होगा खुद कुछ बच्चों ने। ठीक है, तो आपने देखा होगा, क्या देखते हो आप,
कि अगर आपका कोई लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट का मतलब अगर ये दूध है तो दूध है, पानी है तो पानी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये हमारा यहाँ पे पानी है, ठीक है, पानी है, आपने रखा गर्म होने के लिए, तो ये क्या करेगा, हीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया, हीट किया, ठीक है। अब इसमें अगर आप हीट करोगे तो थोड़ी देर बाद जब इसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा तो वो क्या करेगा, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब कुछ सेकंड के बाद जब आपने देखा कि ये बॉयल करना स्टार्ट कर रहा है, इस पर ऐड कर दो, क्या ऐड करोगे, यहाँ पे आप कुछ नेक्स्ट कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कहा कि तुम सल्यूट कुछ ऐड कर दो, चीनी ही ऐड कर दो। तो जैसे तुम चीनी ऐड करोगे, वो चीनी क्या है, चीनी के क्या है मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो जाके क्या होंगे, पहले कंटेनर पे बैठेंगे। और आपको पता है बॉयलिंग जो होता है वो कैसा फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना है, ठीक है, क्या है, बल्क फिनोमिना है। तो जब आपने सल्यूट डाला तो क्या होगा, वो तुरंत अभी भी जो आपका पानी बॉयल हो रहा था, क्या वो अभी भी बॉयल हो रहा होगा, ना, वो क्या कर जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर क्योंकि जब आपने डाला इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल, तो उसको और भी क्या होगा, अब एनर्जी चाहिए, तब जाके ये फिर थोड़ी देर बाद फिर से बॉयल करना स्टार्ट करेगा। तो आपने क्या देखा कि जब भी आप सॉल्यूट डालते हो या कोई चीज़ ऐड कर रहे हो तो आपको बॉइलिंग पॉइंट में क्या मिलेगा, एलिवेशन मिलेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी और ज़्यादा आपको टेम्परेचर अभी यहाँ पे देना पड़ेगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, और दूसरी बात हमने ये भी देखा था कि प्योर जो सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ है ये आपको दिख रहा है, ये वेपर प्रेशर है यहाँ पे और अगेंस्ट टेम्परेचर पे, और जब ये सॉल्यूशन होगा यानी इसमें कुछ और कंपोनेंट आपने मिक्स कर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ आपका बना हुआ है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो ये जो पहला है ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का है, दूसरा जो ग्राफ है ये किसका है, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो आपको पता क्या है कि जब आपका वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो इस पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। जब आपका वेपर प्रेशर जो होगा वो बराबर होगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तब उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर उस पे जो आपका वेपर प्रेशर है वही आपका क्या है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो अगर हम सॉल्वेंट का केस देखें तो उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो एक्स एक्सिस पे सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट का इसको हम रब कर देते हैं, तो सॉल्वेंट का हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, टी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है तो टी भी लिखा है और नॉट लगा दिया क्योंकि ये क्या है, सॉल्वेंट का। अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हो तो ये पॉइंट किसका है, ये आपका सॉल्यूशन का है। तो आपने देखा क्या, जब इसको ड्रॉ करें तो ये उससे आगे आ रहा है, सॉल्यूशन से जो आपका सॉल्वेंट है उससे टेम्परेचर आगे आ रहा है, और उसको हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, टीबी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट किया है बच्चों, टीबी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आपका जो प्योर सॉल्वेंट है उसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। नाउ द चेंज, जो इसमें चेंज होता है उसी को हमने क्या कहा, जो ये चेंज है, ये जो अंतर है, ठीक है, जो एलिवेशन आपको दिख रहा है, जब आपका प्योर सॉल्वेंट था और उसमें क्या है, एलिवेशन यानी टेम्परेचर बढ़ के जो हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, और इसको हम डेल्टा टीबी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई कि नहीं, ठीक है, बोलो आई कि नहीं, आई होप आप सबको आई होगी, और इसको आप नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड द प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड, अगर आप रिप्रेजेंट करते हो जहाँ पे डेल्टा सॉरी नॉट डेल्टा टी नॉट बी जो है वो अगर बॉइलिंग पॉइंट है प्योर का और टी बी जो है वो सॉल्यूशन का है, तो आपको आप इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये ग्राफ दिमाग में रखोगे तो ये इक्वेशन आसानी से आप लिख लोगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं, ये जो एलिवेशन इन जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये किस पे डिपेंड करेगा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, यानी वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका, सॉल्यूट के। तो वो किसका हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका हो जाएगा, जो टीबी है डेल्टा टीबी हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम,
एम यानी कि आपके मोलैरिटी के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर आपने ये लिख दिया तो आप इसके वैल्यू को क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे एक नया कॉन्स्टेंट आएगा जिसको हमने क्या कहा है, के बी इंटू एम हो जाएगा। और जो आपका मोलैरिटी होता है वो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन जो होता है मोलैरिटी जो होता है वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। तो वो आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे और आपका ये वैल्यू, आपका जो इक्वेशन है वो यहाँ से ये आ जाता है। अब अगर आपको ये पता है तो इक्वेशन अगर आपका न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो, आपको ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये पूछ लिया, तो आप आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको एक दो तीन चार पाँच, पांच क्वांटिटी, कोई भी चार क्वांटिटी की वैल्यू आपको पता है तो आपका पांचवा अपने आप निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूट करके आप उसे निकाल सकते हो, इक्वेशन को इधर उधर ले जाके वो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो के बी है इसको हम क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं। डब्ल्यू टू क्या होगा, सॉल्वेंट किसका, सॉल्वेंट का जो है के जी में, और मास जो होगा डब्ल्यू वन हो जाएगा, दैट विल बी दी मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी, और एम टू जो होगा वो मोलर मास ऑफ सल्यूट हो जाएगा, और ये डब्ल्यू टू है ये मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, इसको मास ऑफ सल्यूट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मास ऑफ सल्यूट है, डब्ल्यू टू जो है वो ये है आपका मास ऑफ सल्यूट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना और यही आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी बी बराबर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो यही इक्वेशन आपको ध्यान देना है। तो मैंने जैसे आपको कहा पांच क्वांटिटी, कोई भी चार आपको पता है, जैसे मास आपको पूछ लिया कि कितना बताओ, कितना अमाउंट में जो आपका सल्यूट है वो डिजॉल्व है, यानी वेट पूछ रहा है आपसे, मास पूछ रहा है, तो वो आप आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और वैल्यू यहाँ से मॉलिकुलर मास हुआ, मोलर मास हुआ, उस चीज़ को भी यहाँ से निकाल सकते हो। एम जो है ये क्या है, मोलैलिटी है, इस बात को भी ध्यान देना है। दूसरा के बी को हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये तो याद ही रहता है कि मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट है, के बी लिखा है, पर ये नाम भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है जिसका नाम क्या है, इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो सिंपल है कि मोलर बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन कॉन्स्टेंट जो है जिसको आपने इब्यूलियोस्कोपिक कहा है, उसको कैसे डिफाइन करोगे, ऑफ अ सॉल्वेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट विच इज मे बी थियोरेटिकल बी प्रोड्यूस बाई डिजॉल्विंग वन मोल ऑफ एनी सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये किसका डेफिनेशन कह रहा है, ये किसको कह रहा है, ये आपका यही कह रहा है डेल्टा, ये टी बी है और ये आपका बराबर है के बी, और ये क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन के जी। तो वही बात तो इसने भी लिखी है, क्या लिखा है, ये वाली वैल्यू इस टेम्परेचर जो चेंज है वो इसके बराबर होगी जब आपका ये जो मोलैलिटी है वो क्या हो, वन हो, यानी कि वन मोल डिजॉल्व हो आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। राइट, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे तीसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये बड़ा कमाल का एक्सपेरिमेंट है, ये अपने घर में भी आप करके देख सकते हो कि अगर आप या फिर आइसक्रीम जो रखते हैं, आइस से रिलेटेड जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो आइस आपका होता है वो अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे आप रख रहे हो तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद भी घर पर करके देख सकते हो कि आपके पास दो आपने आइस क्यूब लिया है, दोनों को रूम टेम्परेचर पर रखा है, दोनों की टेंडेंसी है कि वो क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो। ठीक है, चेंज होगा, पर एक में आपने क्या कर दिया, एक के ऊपर आपने सॉल्ट छिड़क दिया है। ठीक है, सॉल्ट डाल दिया, यानी आपने कुछ और चीज़ यहाँ पे ऐड किया, सॉल्ट डाल दिया, तो आप क्या देखोगे कि जो आपका आइस ओपन आइस था और एक जिस पे सॉल्ट डाला है, तो आप देखोगे जो मेल्ट होगा वो सबसे पहले कौन मेल्ट होगा, जिस पे नमक नहीं डाला है, यानी जैसे आपने कुछ डाल दिया, सल्यूट यहाँ पे डाल दिया, तो जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाए, उसमें कमी आ गई। ठीक है, वो उसमें कमी आ गई, तो इस वजह से इसमें वर्ड जो लगा है वो क्या है, डिप्रेशन लगा है वर्ड। ठीक है, क्या कहा मैंने, जब आपने प्योर फॉर्म में था तो उसका मेल्टिंग हो रहा है, पर जब जैसे आपने उसमें कुछ और डाल दिया, सॉल्यूट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो वो आइस क्या है, और धीमे से क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो इसका मतलब उसके फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, यानी उससे नीचे वो क्या कर रहा है, फ्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, तो उससे पहले हम ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हमने ग्राफ प्लॉट किया है किसका, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हमने क्या देखा कि अगर आपका सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का आपका ग्राफ यहाँ पे आके हमने इसको स्टॉप किया है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, सॉल्यूशन का है, तो हमने ये बताया कि जैसे आपने इसमें आपने सॉल्यूट डाला तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया,
डिप्रेस हो गया, कमी आ गई, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आगे दिख रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस पॉइंट पे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हमने लिखा है टी नॉट एफ। किसका है ये? प्योर सॉल्वेंट का है दिस पॉइंट। ये जो है ये सॉल्यूशन का है, तो इसको हमने क्या कहा है? टी एफ का कहा है। तो देखो टी एफ नॉट आगे है और टी एफ पीछे, यानी क्या हो रहा है? होना चाहिए था ये, पर इसमें क्या आया? आपका कमी आ गया, ठीक है। तो इसीलिए डिप्रेशन हो गया। तो इसी से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पे सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? सेम होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट को कहते हैं। और अगर हम टी एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और टी नॉट एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज होगा, डिप्रेशन होगा, दैट इज डेल्टा टी एफ, वो क्या होगा? टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्योंकि यहाँ पे टी एफ आपको दिख रहा है वो क्या है? बड़ा है, ठीक है। और ये अगर हमें पता है तो हमने इसको किससे बराबर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे? मोलैलिटी से। ये क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और करना क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम रिमूव करेंगे, तो अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ा है तो ये उसी का रेप्लिका है, उसी को आपको कर देना है। पर के बी की जगह क्या हो जाएगा? के एफ, और टी बी की जगह क्या हो जाएगा? टी एफ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपका इक्वेशन मोलैरिटी का जो है वो आपने यहाँ पे डाल दिया है, और बाकी क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। के एफ क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट होगा, या इसका दूसरा नाम जो है वो आपको ध्यान देना है, दैट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा? क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। किसको कहते हैं? के एफ को कहते हैं, ठीक है। और के बी को क्या कहते हैं? इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहते हैं। नाउ एम क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ए का मतलब क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब कैसे आप डिफाइन करोगे एबिलियोस्कोपिक जो है आपका क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट? एबिलियोस्कोपिक को तो आपने आसानी से डिफाइन कर लिया। क्या कहा आपने कि डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और इंटू एम लिखा था, तो हमने कहा कि वो टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, वो डिप्रेशन या वो एलिवेशन, क्योंकि यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, वो एलिवेशन जब आपका मोलैलिटी जो है वो क्या हो? वन हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो गया? डेल्टा टी एफ हो गया, और ये क्या हो गया? के एफ हो गया, जिसको आपने क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहा, और इंटू क्या हो गया? एम हो गया। तो यानी जब मोलैलिटी वन मोल हो, वन मोलल हो, तो जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो उसी को हमने क्या कहा? क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट कहा। तो वही है, इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट विच मे बी थ्योरेटिकली प्रोड्यूस्ड बाई डिजॉल्विंग वन मोल ऑफ एनी सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो बाई दिस टाइम आई होप आपने सारी चीज जो कॉलिगेटिव के तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो आपने समझ लिया होगा, और इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स ट्राई आउट कीजिएगा, और आप बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हैं वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इंस्पाइट अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट टू कलेक्ट रिगार्डिंग NIS, आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, और NIS से रिलेटेड आप सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ से गैदर और कलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।